मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू बिल्ड अ करियर ऑफ योर ओन चॉइस अपनी मर्जी का करियर जो, जो मन करे मैं बनना चाहू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच लवली थैंक यू सो मच सो दोस्तों मेरा नाम है रोहित शर्मा <coughs> मैं अपने बारे में तो आपको आगे की चीजें बताऊंगा ही बताऊंगा लेकिन आज सिर्फ मेरे बारे में बात नहीं है आज आपकी अपनी चॉइसिस के बारे में बात है जो मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये होनी चाहिए कि उसकी अपनी चॉइस क्या है डू यूल अग्री विद दिस थैंक यू सो मच राइट सो एक सर्वे के हिसाब से 2022 जो भी एक साल जस्ट अभी खत्म हुआ है यह पता लगा कि उसमें 12 करोड़ से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुई हिंदुस्तान में ठीक है और क्या आप गेस कर सकते हो कि स्टार्टअप कितने क्रिएट हुए चौबीस हजार से कुछ ज्यादा इसका मतलब हर साल की तरह इस साल भी एक बहुत बड़ा गैप रह गया उन लोगों में जो जॉब की तलाश में है और जो जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं अगर हम लोग ये चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो और अगर हम इस सवाल का भी जवाब ढूंढ रहे हैं कि हिंदुस्तान कैसे एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकता है या कैसे डेवलप नेशन बन सकता है तो उसका एक बहुत सॉलिड आंसर है वो ये है दैट वी नीड टू क्रिएट मोर हैव माइस स्लाइड प्लीज या थैंक यू सो वी नीड टू बिल्ड मोर स्टार्टअप्स लेकिन इस राह में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो फरहान भाई ने बता दिया था थ्री इडियट्स में कई साल पहले वो ये है कि किस किस को लगता है कि उनके अब्बा नहीं मानेंगे ये अब्बा लोग होते ही ऐसे मानते ही नहीं।, नहीं कभी आपने सोचा ये लोग क्यों नहीं मानते हैं इंडियन पेरेंट्स के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम है तो वो इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि दो कारण है उसके देखो ठीक है एक कि उनका बच्चों को लेके बहुत केयरिंग माइंडसेट होता है आप सब मानते हैं आपके पेरेंट्स केयर करते हैं आपकी यस केयरिंग माइंडसेट है केयरिंग एटीट्यूड है और दूसरा एक कन्वेंशनल करियर ऑप्शन को लेके उनका बे इंतहा प्यार राइट right? लेकिन ऐसा होता क्यों है ये प्यार और ये माइंड सेट कैसे क्रिएट होता है कन्वेंशनल करियर ऑप्शन के लिए उसके पीछे है उनके तीन फंडामेंटल बिलीफ जिसमें सबसे पहला है इंडियन पेरेंट्स को ये लगता है कि उनके बच्चों के पास ये क्लैरिटी ही नहीं है उनको पता ही नहीं है कि आगे चल के उन्होंने करना क्या है नंबर टू टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के हिसाब से यह पता लगा कि पेरेंट्स जो हैं वो सेव ही नहीं करते उतना पैसा कि बच्चों की कोई अनकन्वेंशनल करियर ऑप्शन जैसे कि ऑनट्रप्रिन बनना या फिर यूट्यूबर बनना इन्फ्लुएंसर बनना उसको वो फंड कर पाए ठीक है ऑलरेडी रिपोर्ट में आ चुका है उनके पास इतना पैसा होता ही नहीं वो बचा ही नहीं पाते लेकिन दो चीजों के लिए जरूर बचाते हैं टॉक खत्म में जा रहा हूं <laughs> <laughs> क्यों बुलाया मुझे सब पता है इनको बिपी पी लीक हुई है मेरी बट एग्जैक्टली exactly, वो सबसे ज्यादा पैसा इसलिए सेव करते हैं ताकि एक बच्चों की शादी कर सके और दूसरा उनकी हायर एजुकेशन पे खर्चा कर सके जो वो कन्वेंशनल करियर ऑप्शन की तरफ ही उनको लेके जाता है जैसे डॉक्टर या फिर इंजीनियर राइट और नंबर थ्री तीसरा बिलीव क्या है फाइनेंशियल मिसट्रस्ट आपके पेरेंट्स आप पे पैसे के लिए भरोसा करते हैं नहीं करते हैं हिंदुस्तान के 96 परसेंट पेरेंट्स नहीं बिलीव करते हैं कि उनका बच्चा पैसा संभाल भी सकता है तो आपको अपनी मर्जी का करियर ऑप्शन कैसे चूज करने देंगे भला दोस्तों मैं एक हूं और एक कंटेंट क्रिएटर हूं और बच्चा हूं ऐसे ही पेरेंट्स का मेरा जन्म हुआ एक मिडिल क्लास परिवार के अंदर जहां पे मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में है और मेरी ज्यादातर फैमिली जो है वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सर्वेंट है गवर्नमेंट जॉब के अंदर उसके बावजूद एक गवर्नमेंट जॉब का अच्छा खासा ऑफर मेरे हाथ में था उसको मैंने रिजेक्ट किया अपॉइंटमेंट लेटर भर के नहीं भेजा और उसके बाद अपनी मर्जी का एक करियर ऑप्शन चूज किया और उसमें भी हुआ आप जानना चाहते, हैं कैसे? नहीं जानना चाहते छोड़। <laughs> कारण अ क्लैरिटी मुझे क्लैरिटी थी कि मुझे कौन सा करियर ऑप्शन चूज करना है और ये क्लैरिटी मुझे आई कैसे देखो लाइफ में जब भी आपको क्लैरिटी चाहिए ना उसका पहला 50 परसेंट आपको इससे पता लगता है कि आपको क्या नहीं चाहिए मेरे फादर जिस जॉब में थे उसमें बार बार ट्रांसफर्स होते थे और हमें बार बार शहर बदलने पड़ते थे पे है कोई जिसके फादर की ट्रांसफरेबल जॉब रही है राइट वाले या yeah? <laughs> पास आउट सो होता था बार बार शहर बदलना पड़ता था फिर शहर में भी किराए के घर बदलने पड़ते थे फिर बार बार वो सामान पैक करो फिर अनपैक करो लोड करो अनलोड करो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था राइट इसलिए मैंने सोचा यार ये पापा वाली जॉब तो बिल्कुल नहीं करनी है चाहे लाख रुपये मिल जाए कोई दिक्कत नहीं उसके बाद ये बात थी स्कूल की जब कॉलेज आया तो कॉलेज के टाइम पे मैंने क्या देखा कि यार इंजीनियरिंग करने के बाद जो हमारे ग्रेजुएट सीनियर्स थे राइट वो लोगों को और प्लस मेरे अपने जो कजन थे जो इंजीनियरिंग जिन्होंने कर ली है ना वो भैया लोग को सबको ना अपने घर से हटके अपने होम टाउन से दूर किसी शहर में जाके नौकरी करनी पड़ती थी हम सबके पक्का है ना रिलेशन में ऐसे लोग हैं है? किस किस के पास ऐसे, ऐसे कजन है जो दूर जाते हैं कभी कभी आते हैं है ना जैसे एनआरआई बाहर होते हैं हमारे देश के एनआरआई हैं ठीक है तो मुझे वहां से भी समझ में आ गया भैया ये जॉब ऑब मेरे से नहीं होगी मेरे को तो मेरे घर पे रह के जो है ना यहीं से काम करना है ऐसा कुछ मेरे को चाहिए तो मुझे क्लियर था मुझे जॉब नहीं करनी बाकी फिफ्टी परसेंट क्लैरिटी मुझे मिली ये समझ के कि एक्चुअली मुझे चाहिए क्या तो मैंने आपको बताया मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट है और सैलरी कोई बहुत ज्यादा उनकी नहीं थी शुरू से फिर भी अपनी छोटी सी सैलरी में उन्होंने हमें बेस्ट से बेस्ट लाइफ देने की कोशिश की आई एम रियली प्राउड ऑफ है लेकिन उसके बावजूद ऐसा हुआ कुछ के नाइन्थ स्टैंडर्ड तक आते आते हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी एंड जब मैं देखता था ना कि यार लोग शादियों में जा रहे हैं बड़े खुश होकर जा रहे हैं हमारे कंडीशन ऐसी थी, थी कि शादी में जाना खुशी की बात नहीं थी टेंशन की बात ज्यादा हो जाती राइट एग्जैक्टली कपड़े नहीं लेने हैं ज्वेलरी नहीं लेनी है और पता नहीं क्या, क्या क्या कर और सबसे बड़ी बात लिफाफे में कितने रखने हैं यस <laughs> हाँ yes? तो अब मैंने क्या देखा कि हमारी रिश्तेदारी के अंदर ना दो ऐसे रिश्तेदार थे जिनकी लाइफ बहुत अच्छी थी क्यों थी क्योंकि वो जॉब के साथ बिजनेस करते थे तो मुझे ये क्लियर हो गया कि भैया जिंदगी हो तो बिजनेसमैन जैसी हो वरना ना, ना। मैंने ये डिसाइड किया कि भाई मेरे को तो बिजनेस करना है और मुझे पता है मूवीज भी वही वाली पसंद आती थी जिसमें बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही होती थी जैसे यस बॉस बदमाश कंपनी रॉकेट सिंह शादी मुबारक पैसा डबल और मैं सब सच बोल रहा हूं ब्रेड पकोड़े की कसम खा के मैं आपको ठीक है सो मुझे ये पता था कि हाँ यारी मेरे को कर रहा हूँ मैं एक बात आपको सच सच बता देता हूँ आपको भी मन में पता है आपको अंदर से पता है कि आपको क्या करना है, है ना हमारे दिल को हमें मोस्टली पता होता है हमें बस इतना करना होता है कि हमें बैठना होता है और पेन पेपर लेके ना नोट डाउन करना होता है कि एक्चुअली हमें क्या चाहिए तो अगर आपको ये क्लैरिटी चाहिए तो एक बार बैठ जाओ अकेले में बैठो ठीक है और फोन को साइड में रख देना ठीक है चाय कॉफी साथ में रखो पेन पेपर पे लिख लो कि आपको क्या चाहिए आपको क्या करना है आपका दिल खुद ही आपको सारे के सारे आंसर दे देगा बस ऑनेस्टली खुद से उस टाइम पे बात कर लेना और अगर कह रहे हो बड़ा मुश्किल काम लग रहा है तब भी नहीं समझ में आ रहा तो कोई भी एक काम जिसमें आपका मन है वो करना शुरू कर दो ठीक है उसके बाद ट्राई आउट विद डिफरेंट थिंग्स अभी आपके पास टाइम है है ना यंग एज मेरे पास ऑप्शन होता है थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं मल्टीपल चीजें ट्राई करो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि यार इसमें से ये वाली चीज है ना ये मेरे लिए बेस्ट है इसमें मैं आगे करियर अपना बना सकता हूं अब क्लैरिटी मिलने के बाद क्या मुझे क्लैरिटी तो मिल गई क्लैरिटी के बाद एक्चुअल जो चीज़ आती, आती है वो होती है एक्शन लेना तो मैंने परफेक्ट टाइम या परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं किया आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई स्किल्स एंड विजिबिलिटी लेकिन उस टाइम भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी बात थी कॉलेज की और मैं ढूंढ रहा था तो आज के टाइम पे क्या है ना हम वाईफाई ओपन रखते हैं कहीं भी मिल जाए किसी का ओपन हो तो अपना डेटा बच जाता है Right? उसने वाई फाई नहीं था ब्लूटूथ चलता तो मैंने अपने रखा कि कहीं कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए और अपॉर्चुनिटी मुझे मिल फर्स्ट का एंड होते होते मेरी के right? अब आप जब भी कुछ नया काम करने के लिए जाते हो ना तो डर तो लगता है और उसके अंदर रिस्क भी होता है राइट right? कुछ भी नया करने में किस किस को फील होता है रिस्क तो होता है यार रिस्क है तभी तो क्या बात है सबने स्कैम देखी वेरी नाइस राइट अब रिस्क वहां पे क्या था कि उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करने के लिए मुझे दस हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी कितने की दस हजार अब मेरे फैमिली के पास पैसा था नहीं उनसे मैं ले नहीं सकता था मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं कोई सेविंग्स नहीं थी पॉकेट मनी वगैरह नहीं होती थी तो मैंने डिसाइड किया कि आई विल टेक अ रिस्क मैं अपने दोस्तों से उधार मांग के वाला बिजनेस स्टार्ट करूंगा और मैंने उनसे वो उधार मांगा डर बहुत ज्यादा लग रहा था लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि यार देखो फूल गया तो गोलगप्पा नहीं तो पापड़ी तो है क्या यार मतलब कहने का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ बन गए तो अच्छी बात है मैंने बस इतना सोचा ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो जाएगा यार अगर बिजनेस अच्छा चला प्रॉफिट मिल जाएगा अगर अच्छा नहीं चला ट्यूशन बढ़ा के दोस्तों तो के वैसे रिटर्न कर दूंगा लेकिन मन में ये रिग्रेट नहीं रखूंगा कि यार मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि मैंने बचपन में शाहरुख खान की एक मूवी देखी थी चलते चलते उसमें वो यही कहता रानी मुखर्जी के लिए मैं रिग्रेट नहीं रखना चाहता था कि यार मैंने ट्राई नहीं किया है ना सो आई ट्राइड इट और उस टाइम पे एक स्टोरी ने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था किस किस को स्टोरी सुनना पसंद है सुनाओ एक आप ना करते मैं तो भी सुना देता मेरी स्क्रिप्ट का पार्ट है राइट <laughs> तो एक जंगल था एक जंगल के अंदर दो बंदर थे कौन थे दो बंदर एक पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे एक आकाशवाणी हुई कि जो अभी के अभी पहले नीचे कूदा वो जंगल का राजा सुनते ही एक बंदर फटाफट पड़ से कूद गया और ना लग गया अब बेड़े अपना राजा बनूंगा ऊपर वाला उसको देख के ऐसे लग गया <laughs> तू <laughs> शकल देखी तूने अपनी और शेर को देखा तूने उसके दांत देख भाई कितना पावरफुल है ऑलरेडी राजा है हाथी देख उसका वजन देख लोमड़ी देख कितनी चालाक होती तू बंदर तुझे मनाएंगे कोई राजा उसने नीचे से ऊपर देखा बोला भाई देख आकाशवाणी हुई है हो सकता है सच नहीं हो जाए ठीक है अगर मान ले सच हो गई तो मैं बन जाऊंगा जंगल का राजा और ये जो शेर हाथी लोमड़ी जिनके भी तू पोर्टफोलियो गिरा रहा है ना मुझे ये सब मेरे होंगे और तू भी और अगर मान ले झूठ भी हो गई तो यार बंदर अपन पहले भी थे बंदर बाद में भी रहेंगे क्या दिक्कत है छुपकली तो बन नहीं जाएंगे राइट right? इस स्टोरी ने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था तो उसके साथ स्वामी विवेकानंद की एक बहुत फेमस कोर्ट ने इंस्पायर किया था दैट टेक रिस्क इन योर लाइफ इफ यू विन यू कैन लीड इफ यू लूज यू कैन गाइड तो मुझे लगा हाँ भाई ये अपना सही ऑप्शन है लेट्स डू इट और मैंने उसी पे काम करना स्टार्ट किया कॉलेज के बाद मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता था दोस्तों के साथ पार्टी करने में या घर जाके आराम करने में मैं उस टाइम को यूटिलाइज करता था अपनी स्किल्स को बढ़ाने में अन्य लोगों से मिलने में उनसे बात करता था उनको अपना आइडिया पिच करता था अपना प्रोडक्ट पिच करता था सेल्स करता था और इसकी वजह से मेरी सेलिंग स्किल्स मार्केटिंग स्किल्स रिजेक्शन हैंडल करने की ताकत कस्टमर से डील करना टीम बिल्डिंग लीडरशिप स्किल्स ये सब डेवलप होने लगे और ये तब बात कर रहा जब मैं केवल कॉलेज में था राइट right. तो मुझे एक बात समझ में आई कि यार ये चीज़ तो बिल्कुल सही जा रही है और इस प्रोसेस में मेरी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी इंप्रूव होने लग गई राइट और उसके बाद आगे चल के मैंने कई और चीजें ट्राई करी आ, मैंने कई छोटे छोटे स्टार्टअप करने की कोशिश की जो कभी चल ही नहीं पाए <laughs> उसके अलावा मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री का भी पार्ट बना एंड देन लेटर लेटर ऑन आगे चल के मैंने कुछ और वेंचर स्टार्ट किए जिसमें से एक है बिज गुरुकुल हमारा गुरुकुलटेक वेंचर जिसके थ्रू आज हम दो लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को सर्व करते हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं <laughs> तो मैं आपसे केवल एक ही चीज कहूंगा यार <clears throat> अगर आपको यूट्यूबर बनना है किस किस को गई है आप जिसको लगता है यूट्यूबर बनना है इन्फ्लुएंसर बनना है कंटेंट क्रिएटर बनना है वेरी नाइस फटाफट से आज ही कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दो अपना चैनल बनाओ पेज खोलो कंटेंट क्रिएट करो रुको मत अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो फटाफट उस कोर्स के लिए एनरोल कर लो जो आपने अभी तक नहीं किया है एक्टिंग हो सकता है सिंगिंग हो सकता है इट वुड बी अगर आपको एक बनना है तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर आइडिया अपना एम क्रिएट करो प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करो और उसको टेस्ट करने लग जाओ क्योंकि वहीं से आपको मार्केट से रेस्पॉन्स आएगा कि आप पास हुए या फेल एंड वेन इट कम्स टू फेलिंग अगर आप यह सोचते रहोगे ना अगर मैं फेल नहीं होना चाहता तो ना कुछ सीख पाओगे ना कुछ बन पाओगे फेल हो जाओ लेसन लो उस लेसन को आगे अप्लाई करके आगे बढ़ो एंड धीरे धीरे आप देखोगे चीजें सही होने लग जाएंगी आपके साथ ठीक है और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने करी fact, मैं आपको बताऊंगा दो सबसे क्रिटिकल चीजें जो मैंने इस जर्नी पे करी जब मैं अपने एक बहुत कहावत है, सुना है आपने कभी? आप जिन पांच लोगों के साथ अपना वक्त गुजारते हैं आपका process, आपके बिलीफ आपका माइंड आपकी इनकम आपका लाइफ स्टाइल मेबी आपका बॉयफ्रेंड उनके जैसा हो सकता है राइट <laughs> right? सो जॉक्स अ पार्ट बट यू नीड टू नेटवर्क विद पीपल और मैं यही करता था वीकेंड्स पे संडे को घर पे मूवीज नहीं देखता था मैं जाके इवेंट्स अटेंड करता था फ्री वर्कशॉप्स अटेंड करता था ट्रेनिंग्स अटेंड करता था और अपनी इंडस्ट्री के जॉइंट्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करता था और उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप सब जानते हैं जिसका नाम है लिंकडिन उसके थ्रू भी मुझे अपना नेटवर्क ग्रो करने का बहुत अच्छा फायदा मिला जो आपको अपने नेटवर्क के ऊपर काम करना है ये नेटवर्क की ही ताकत थी कि बिज गुरुकुल एग्जिस्टेंस में आप आया क्योंकि हमारे फाउंडोर सीओ मिस्टर रिथविज ही केम टू मी विद एन आइडिया एंड वो आइडिया सिर्फ ये नहीं था कि चलो कुछ बनाते हैं वो आइडिया ये था सर एक कोर्स बना दो मेरे लिए राइट right? उस नेटवर्क की वजह से हम इतना बड़ा एक यू नो रेवोल्यूशनरी वेंचर क्रिएट कर पाए और दूसरी मैंने आपको बात बोली थी दैट वॉज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंग की आप में से कौन कौन सोशल मीडिया को एक्चुअली इसलिए यूज कर रहा है कि उससे अपना करियर बिल्डअप करना है वेरी नाइस nice. बहुत बढ़िया जो नहीं है उनको भी आज इस वाली स्टोरी से एक यू नो आइडिया मिल सकता है कि सोशल मीडिया से कैसे आप ग्रो कर सकते हैं तो देखो सोशल मीडिया आज के टाइम पे ना इट्स नॉट यू नो जस्ट अ लेजर एक्टिविटी ये आज के टाइम पे नेसेसिटी बन चुका है ये आपकी जरूरत बन चुका है कि आपको उस पर प्रेजेंट होना होगा जो आप काम कर रहे हो आपको उसके बारे में वहां बात करनी होगी यू नीड टू मार्केट यूर सेल नीड टू बी वोकल अबाउट इट ठीक है तो अगर आप सोशल मीडिया को इस तरीके से यूज करोगे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग वहां पर क्रिएट करोगे ये आपको बहुत बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है मैं पे स्टेज पर खड़ा भी इसलिए हूं क्योंकि पे है। तो आपको अपनी जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाना होगा प्रेजेंस बढ़ाने में आपको लोगों को वैल्यू देनी होगी जो आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं वो करना होगा और जो आपने देखा मुझसे पहले जो तीन स्पीकर भी एग्जैक्टली exactly सेम चीज के ऊपर काम करा राइट तो अपॉर्चुनिटीज और एग्जाम्पल्स एंडलेस हैं यहां पे राइट अब चलो ठीक है जी सोशल मीडिया प्रेजेंस भी बन गई सब कुछ हो गया लेकिन अल्टीमेटली प्रॉब्लम तो आती है अब्बा नहीं मानेंगे उनको कैसे माना है? मेरे को ये बात ना बहुत शुरू में समझ में आ गई थी कि अगर मैंने पेरेंट्स को अभी से अलाइन करके नहीं रखा तो आगे बहुत दिक्कत होने वाली है इसलिए मैं क्या करता था मैं कोई भी ट्रेनिंग अटेंड करके आता था कोई वर्कशॉप से आता था मैं आके उनको बताता था कि मैंने वहाँ पे क्या सीखा और खासकर वो बातें जिनमें मॉरल वैल्यूज की बात हो रही थी या एक अच्छा इंसान बनने के ऊपर बात हुई रही सबसे पहले हाईलाइट करके बोल्ड इटैलिक्स में बता देता था मैं तो उनको ठीक है बिकॉज मुझे पता था कि यार उनको अलाइन रखना बहुत जरूरी है एंड आपको पता है हमारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं सबसे पहली चीज जब हम बाहर निकलते हैं वो ये चाहते हैं कि हम एक अच्छी संगत में रहें एक कहावत आपने सुनी है संगत से रंगत बदलती है तो मैं अपने पेरेंट्स को ये ज़रूर अच्छे से बताता था कि किन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ और कलीग्स कौन हैं उनके पेरेंट्स क्या करते हैं जैसे उनको भरोसा रहे कि मैं अगर बाहर जा रहा हूँ तो सही लोगों के साथ में ही रह रहा हूँ ऐसी आवारा गर्दी नहीं कर रहा तफरी नहीं मार रहा उसके अलावा मैंने एक और चीज़ पर बहुत फोकस किया मैं अपने पेरेंट्स के साथ छोटी छोटी अचीवमेंट्स ज़रूर शेयर करता था हम लोग बताए गलती क्या करते हैं स्ट्रगल्स आते हैं वो जाके पेरेंट्स के सामने पहले बता के रोने लग जाते हैं क्रिप करने लग जाते हैं और अचीवमेंट होती है तो नहीं बताएं क्यों ये थोड़ी समझेंगे इनको थोड़ी पता है दस हजार का मतलब क्या होता है इनको थोड़ी पता है ब्रांड तो कितना अच्छा लगता है आपकी हर छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे उनको नाज फील होगा आप बस उनको बताना शुरू करो मैं अचीवमेंट्स बताता था मैं अपने स्ट्रगल्स नहीं बताता था क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने ज्यादा स्ट्रगल बताए तो पेरेंट्स का अगेन वो वाला अवतार आ जाएगा जो मुझे बोलेगा कि बेटा इतनी परेशानी में क्यों काम कर रहा है तू है ना आराम कर बैठे तो तू बता तेरे को कितना पैसा चाहिए इसलिए मैंने उनको इस तरीके से अलाइन करना शुरू किया उनको चीज़ें बताता था, था अपनी जर्नी का पार्ट उनको मैं अपना पूरे टाइम बना के चला और इसका मुझे लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फायदा मिला क्योंकि धीरे धीरे वो हर चीज़ में सपोर्ट करने लगे और आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम जो है वो मेरी फैमिली मेरे लिए बन चुकी है जिनको शुरू में डाउट था बिकॉज अल्टीमेटली द बेस्ट वे टू बिल्ड द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट या तो आप किसी दूसरे के फ्यूचर का पार्ट बन सकते हो या अपना फ्यूचर खुद बना सकते हो Life is yours. Choose what's best for you.